ये चली गैंग मेला देखने और मैं भी चली। आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत मुबारक। हम ग्राउंड में शाम के 5 बजे पहुंचे और वहां सुबह से ही बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आज बहुत दूर दूर से लोग इस स्पेशल दशहरे को देखने के लिए आते हैं। आइए मेरे साथ मेले का मजा लीजिए। आपकी शाम को यकीन करने के लिए अपने नंदन प्रसाद यहाँ पर पहुंच चुके हैं और धमाल ही धमाल आज बिल्कुल तैयार है। हम लोग के बीच में हिमाचल प्रदेश का ये नंबर 1 बैंड है। गुजारिश रहेगी जल्दी से ये भी लोग मंच पर अपना युग का कार्यक्रम शुरू करें और सबसे पहले हमने लेफ्ट साइड घूमने का मन बनाया। अपने तन की खाक उड़ाई कब ये इश्क की मंजिल पाई मेरी सांसों का हो माने दिलदारा मेन दे ही है रब बने कुछ दिन
जाओ उधर। शॉप्स वाली साइड बहुत ज्यादा रश था। चल ले जाओ भाई। हेलो मुल्ला जी
साथ जो बच्चे गए थे उन्होंने झूला झूलने की जिद शुरू कर दी। फिर हमने सोचा चलो हम भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं और फिर घूमते हैं। इन बच्चों को देखकर अपने बचपन की याद आ गई कि कैसे हम भी झूला झूलते थे और खाते पीते रहते थे।
इधर इधर माय गॉड, इतना ज़्यादा रश, एक भी चेयर खाली नहीं थी बैठने के लिए। हमने सोचा कि सबसे पहले हम जाकर चेयर संभालेंगे। आधा घंटा खड़े रहने के बाद हमने 7 कुर्सियों का जुगाड़ किया। कोई भी अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं था। सबको पता है कि हमने रात के 10 बजे तक प्रोग्राम देखना है। अभी शाम के 7 बजे हैं। 7:30 बजे रावण दहन का प्रोग्राम शुरू होगा। पूरे 7:30 बजे रावण दहन का काम शुरू हो गया और हमने डिसाइड किया कि हम यहीं बैठे बैठे रावण दहन देखेंगे। कोई भी अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं था। देखिए, सब अपनी कुर्सी पर चढ़ जाएंगे और यहीं से खड़े। देखकर अपना बचपन याद आ गया। Yeah.
जानकारी नहीं।
जयसिंहपुर का दशहरा मेला आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना ताकि मैं आपको इसी तरह और भी चीजें दिखाऊं। इस देवभूमि हिमाचल पर हमेशा रहा है आपकी आशीर्वाद बना रहे आपको शान है और शान है और माता राम भरपूर अनुमंत्रण किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच में आज मेले में तो बहुत ही ज्यादा मजा आया ये पूरे साल का एक यादगार दिन रहता है।